बड़ी खबर आपको ये बता दें कि ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब दिल्ली और आसपास ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। उसने दिल्ली के टॉप गैंग्स समेत 10 गैंगस्टर्स का एक डॉसियर तैयार किया है। एनआईए के राडार पर गैंग्स ऑफ दिल्ली, नीरज बवाना गैंग पर एनआईए का शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए की नजर, दिल्ली के 10 गैंगस्टर का डोजियर तैयार। दिल्ली के कुख्यात नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अब केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर लगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अब गैंगस्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद अब तक की जांच में जो कुछ भी सामने आया उसने केंद्रीय जांच एजेंसी को अलर्ट मोड पर डाल दिया। जब से पंजाब में मूसेवाले की हत्या हुई है तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो इंडिया के बाहर जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो नीरज बवाना का गैंग हो, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग हो, वो तमाम ये चीज की जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी कि कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जाए या तम की धरपकड़ की जाए जिससे तमाम दिल्ली और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर जो गैंगस्टर्स का कहर बरसा रखा है, जो टारगेटेड किलिंग और एक्सटॉर्शन का जो उन्होंने धंधा चला रखा है, उस पर रोक लगाई जा सके और एक मैसेज दिया जा सके कि अब इस तरह की चीज नहीं चल पाएंगी। केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर इस वक्त खासतौर पर जेलों से ऑपरेट कर रहे गैंग हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं नीरज बवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कौशल चौधरी गैंग, पिल्लू ताजपुरिया गैंग, देविंदर बम्बीहा गैंग समेत दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 10 गैंग का डोजियर केंद्रीय जांच एजेंसी ने तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में कई गैंग एनआईए के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए नीरज बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग सहित करीब 10 गैंगस्टर पर यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज कर जांच करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे गैंग और सिंडिकेट को दिल्ली एनसीआर से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की बात कही थी। यही वजह है कि आईबी और एनआईए ने इस पर एक्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये गैंग दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में जहां जेलों में रह करके अपने सिंडिकेट को बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ टारगेटेड किलिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर भी अपना प्रचार प्रसार करता है, जिसकी वजह से भोले भाले युवा इसको लेकर के आकर्षित होते हैं। केंद्र सरकार ये चाहता है कि ये गैंग जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में फैला हुआ है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। दिल्ली से कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।